जैसा कल पड़े किया था वैसा आज भी। आप देख सकते हो कैसा मैंने 1.18 पे आज बोला कि कैसा रहेगा मार्केट, यहाँ से सडन जंप मारना चालू कर दे तो आप टाइम के साथ, डेट के साथ देख लो 1.18 के बाद मार्केट में कैसा अपसाइड जंप आया। इसके नीचे आप ये भी देखो कि मार्केट में मुझे अपसाइड लग रहा था तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ट्रेड भी दिया और उसमें प्रॉफिट भी लिया। तो दोस्तों बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि मेरा व्यू सही हो गया, मेरा व्यू सही हो गया, मैंने बोला था वैसा ही हुआ। लेकिन व्यू सही होना और ट्रेड कर रहे हो वो ट्रेड सही होना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। क्योंकि व्यू तो किसी का भी सही हो सकता है, लेकिन अगर वो आप ट्रेड में रहे और आप वो ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाए, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी फिलोसॉफी मानने वाले तो आपको मार्केट में बहुत मिलेंगे, बहुत से एक्सपर्ट लोग मिलेंगे जो भी अपने व्यू के अकॉर्डिंगली ट्रेड दे और वो ट्रेड अगर चलने लगे और वो ट्रेड वो ओपनली शेयर करे एडवांस में, तो उस पर बिलीव करना। बाकी फेक प्रॉफिट स्क्रीनशॉट वाले तो लाखों लोग हैं, बड़ा बड़ा प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट शेयर करके उसके अकॉर्डिंगली क्लाइंट को बुला के वेबिनार करके उसका कोर्स बेच देते हैं। अगर आप वो सीखने के बाद आप अपने आप ट्रेड करो, प्रॉफिट हो या ना हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने सिखा दिया, मेरा काम हो गया। मुझे पूरा विश्वास है ऐसा आप सब लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, जिस लोगों ने किसी का वेबिनार अटेंड किया होगा, पेड कोर्स लिया होगा, और पेड कोर्स लेने के बाद अगर आप वो स्ट्रेटेजी यूज करना चाहोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लोगे तो वो ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल ट्रेड उसको नहीं बना पाओगे और उसमें आप पैसा नहीं बना पाते होंगे। हो रहा है ना ऐसा? अगर हो रहा है तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। दोस्तों लोग कोर्स तब देखते हैं, वेबिनार तब करते हैं जब वो खुद ट्रेड लेके वो उसमें से प्रॉफिट नहीं ले पाते। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी वेबिनार स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर टाइम टू टाइम देखे तो इतना टाइम वाला प्रिडिक्शन शायद ही कोई दे सकता है। मुझे भी बहुत सी इंक्वायरी आती है कि आप कोर्स चालू कर दो, लेकिन क्यों करने का ऐसा? मेरे पास सिखाने जैसा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो मेरा लॉजिक एंड साइकोलॉजी वो लाइव मार्केट में रहता है। मेरे पास ज्यादा फिक्स स्ट्रेटेजी दिखाने के लिए नहीं है, वो जो सब है वो मेरे माइंड में है। क्या आप मेरा कल का प्रेडिक्शन भी देख सकते हैं? 1.13 को बोला था कि 1.30 और 1.45 के बीच में बड़ा मूव आ सकता है। तो दोस्तों मेरा ऐसा ही है, जो कुछ है वो डेट टाइम के साथ सामने है। तो दोस्तों यही चीज आपको दिखानी थी कि एनालिसिस कैसा होता है, ये होता है एनालिसिस। मार्केट मूवमेंट कैसे होता है उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें एंड नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे वो ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी ट्विटर पे ओपनली फ्री कॉल शेयर भी करता हूँ। लोग बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं फ्री में। ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, और किसी को कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली गाइड देम वेल। तो थिंक आउटसाइड द बॉक्स, डोंट बी ट्रैप्ड। Have a happy trading and profitable days ahead. Thank you.